हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी चैप्टर 3 का पोयम, दैट इज़ द क्वारल। क्वारल मतलब छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको क्वारल कहते हैं, ठीक है। जैसे भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, बात कोई बड़ी नहीं होती मगर छोटी लड़ाई हो जाती है, ज़्यादा देर चलती भी नहीं है, एंड हाउ इट एंड्स, इसके बारे में ये पोयम है। तो स्टार्ट करते हैं। आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट। जब हम लोग छोटे होते हैं, भाई बहनों से हमारी लड़ाइयाँ, पता भी नहीं होता किस बात पे लड़ाई शुरू हो गई और वो आगे बढ़ गई। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो पोएट हैं उन्होंने यही लिखा है कि आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, मेरी मेरे भाई से लड़ाई हुई। आई डोंट नो वॉट अबाउट, किस बात पे हुई नहीं पता। वन थिंग लेड टू अनदर, बात से बात निकली, एक बात से दूसरी बात हुई और लड़ाई बढ़ती गई। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और हम लड़ते चले गए। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, शुरुआत हल्की थी, छोटी सी बात थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि बात बड़ी हो गई। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। सबके लिए होता है कि हम ठीक हैं, सामने वाला गलत है। सिमिलरली यहाँ भी यही हुआ कि पोएट वॉज सेइंग कि आई सेड ही सेड ही वॉज राइट, भाई कह रहा था कि वो सही है लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है। We hated one another, हम लोगों की लड़ाई इतनी हो गई कि हम लोग एक दूसरे से नफरत सी करने लगे, लड़ाई बढ़ते बढ़ते बढ़ी गई। The afternoon turned black, यानी कि दोपहर में वैसे तो इतना ब्राइट होता है लेकिन इन लोगों का मूड इतना ख़राब हो गया कि ऐसा लग रहा था कि आफ्टरनून ही ब्लैक हो गई। Then suddenly my brother, अब लड़ाई के बीच में एकदम से उसके भाई ने thumped me on the back, thumped me मतलब पीठ पे मारा हल्के से कि हम पूरे टाइम नहीं लड़ सकते, फ्रेंडली एक पीठ पे उसने मारा फ्रेंडली तरीके से। एंड सेड ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑल नाइट, उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बात को छोड़ो, हम पूरा दिन हर वक्त नहीं लड़ सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, उसने अपनी गलती एडमिट करी कि हाँ मेरी गलती थी, और अपनी गलती मानने के बाद ही वॉज इन द राइट, वो सही हो गया। नाउ ही इज़ राइट, क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली है। सो दिस वॉज द पोएम ऑल अबाउट। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस, हम इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक पोएम है तो हम इसमें फ्रेजेस के मीनिंग्स ढूंढ रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है वी फेल आउट, वी फेल आउट का मतलब हमारी लड़ाई स्टार्ट हो गई। एंड सम हाउ वी फेल आउट, फेल आउट का मतलब क्या है, क्वारल्ड एंड आर्ग्यूड, लड़ाई हमारी होती चली गई। द आफ्टरनून टर्नड ब्लैक, इसका क्या मतलब है, द आफ्टरनून टर्नड ब्लैक यानी वॉज स्पॉइल्ड और वेस्टेड ड्यू टू बैड और टेंस्ड मूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड वी हैव टू फाइंड द मीनिंग्स, तो यू कैन राइट द क्वेश्चन एज रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, ठीक। तो ये हो गया, द फर्स्ट वन इज वन थिंग लेड टू अनदर, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट वन थिंग लेड टू अनदर, बात एक से निकल के एक दूसरी बात आई और बात बढ़ती चली गई। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द स्टार्ट एंड कॉज ऑफ द क्वारल वॉज पेटी एंड स्मॉल, यानी कि छोटी सी बात पर लड़ाई शुरू हुई थी। तो क्या लिखेंगे, द स्टार्ट एंड कॉज ऑफ द क्वारल वॉज पेटी, पेटी मतलब छोटा मतलब मामूली सा, एंड स्मॉल। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, यानी कि बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द क्वारल एंडेड ऑन अ सार नोट विच हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, बात इतनी बढ़ गई कि काफ़ी देर तक उसका असर रहा, दोनों का मन खराब था। द आफ्टरनून टर्नड ब्लैक, द क्वारल स्पॉइल द मूड ऑफ द क्वारलिंग पर्सन्स एंड द आफ्टरनून बिकेम इनटॉलरेबली सैड, स्पॉइल्ड होगा ये वर्ड, लेट मी डू द करेक्शन हियर, ओके। एंड द लास्ट वन इज थम्ड मी ऑन द बैक, यानी कि पैटेड ऑन द बैक इन अ फ्रेंडली मैनर, प्यार से उन्होंने एक फ्रेंडली उसमें उसको पीठ पे थपथपाया।
ठीक है. सो दिस इज द एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर.